पापा जी ये लीजिए। आ गई तो ला ला। वैसे पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल बेटिया। आप इतनी मेहनत करते हो और वो भी इतनी धूप में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटे ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी पढ़ाई और हमारी हर जरूरत ये काम ही तो पूरी करता है, किसी काम को छोटा नहीं कहते बेटा। जी पापा। और पढ़ाई कैसी चल रही है, मन लगा के तो पढ़ रही हो? जी पापा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और थोड़े दिन बाद मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, साथ में गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाएगा, फिर आप और मैं वहीं रहेंगे, ये सब काम छोड़ दीजिएगा इसके बाद। शाबाश बेटा शाबाश। चल अब तो जा, तेरी कोचिंग का टाइम हो गया है, चल बेटा जा। ठीक है पापा। जा, चल। ध्यान से जाना। दर्जी के पास क्यों बैठे थे? ऐसे हर किसी के साथ मत बैठा कर, कम से कम स्टैंडर्ड तो देख लिया कर अपना। वो तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गया, वो मेरे पापा है। क्या क्या बोला तूने? वो दर्जी तेरा बाप है? तू सच बोल रही है? हाँ मैं इसमें झूठ क्या बोलूंगी। मतलब तू एक कपड़े सिलने वाले की बेटी है, तो तुझ जैसी को हमारे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल गया? वो तो मैंने स्कॉलरशिप से कॉलेज में एडमिशन लिया था, स्कूल में ना मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे तो स्कूल वालों ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी। तभी मैं सोचूं तुझ जैसी गवार को हमारे जैसे अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुझे तो अभी बताते हैं, तूने हमसे इतना झूठ जो बोला। मैंने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, और इसमें मैं झूठ क्या बोलूंगी? हम जैसे रिच लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए झूठी तो बोला तूने। छी यार मैंने तो इसके साथ खाना भी खा लिया था, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुझसे बात तक नहीं करती। तू और तेरा बाप ना एक जैसे हो। देखो मेरे पापा के बारे में ऐसी बात मत करो। अच्छा तो तुझे गुस्सा भी आता है? क्या कर लेगी तू? बोलेंगे तेरा बाप घटिया गवार गरीब। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया? अरे अरे झगड़ क्यों रहे हो बेटा? ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है, अपनी बेटी को भी ना अपने जैसा बना, इसे कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं है हमारी बराबरी करने के लिए। और मेरे पे हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती करी है, मेरा बाप ना मिनिस्टर है, तुम दोनों बाप बेटी को सड़क पे लाके रख दूंगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये काम ही हमारी रोजी रोटी है बेटा। मैं माफी मांगता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ बेटा। पापा आप क्यों इन लोगों से सॉरी बोल रहे हो? हाँ तेरा बाप नहीं सॉरी तो तू बोलेगी, तुझे पता भी नहीं है तूने कितनी बड़ी गलती करी है मेरे से पंगा लेके। आप लोग मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे थे। वाह तेरा घमंड अभी तक नहीं टूटा ना, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। हेलो पापा। क्यों मिल गया तुझे सबक? अगर उस दिन मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ली होती ना तो आज तुम्हारी दुकान नहीं जाती, अब तो तेरा ये बाप भी बेरोजगार है। तुम जैसे लोग ना होते ही सड़क किनारे रहने के लिए हो। रुक जा बेटा, इन जैसों को सबक सिखाने के लिए तुम्हें बड़ा अफसर बनना पड़ेगा और तब इन्हें बताना होगा कि इनकी हरकतों की क्या सजा मिलती है। बनेगी ना बड़ा अफसर? जी पापा मैं बहुत मेहनत करूंगी। अरे देख ये वही है ना जिसकी हमने दुकान तोड़वाई थी। देखने में तो वही लग रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? चल देखते हैं। चल चल। ओए सुन तू यहाँ क्या कर रहा है? आजकल ऑफिस में लोगों के कपड़े सिलने आया क्या? हमारे कपड़े भी सिल दियो। क्या हुआ तुम दोनों की बोलती बंद हो गई? मैम हम तो बस। मैम आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे मैं बस यही सोच रही थी कि तुम दोनों ये सवाल कब पूछोगे। तुम लोगों को तो ये लगता था ना कि मैं यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाऊंगी, लेकिन आज देखो मैं आज यहाँ अपनी मेहनत से पहुँच ही गई। अब तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि तुमने और तुम्हारे बाप ने जो पूरे शहर में गुंडागर्दी फैला रखी है ना उसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर तुम्हारा बाप मिनिस्टर है तो तुम्हें और अपने आप को बचा लेगा। ये जो फाइलें देख रहे हो इसमें तुम्हारे बाप के किए अपराधों की ना कच्चे चिट्ठे हैं, और अब उसको सजा दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं तुम लोगों ने कितने मासूम लोगों की रोजी रोटी छीनी है, उनके साथ खिलवाड़ किया, उन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन अब और नहीं चलेगा, अब तुम्हें और तुम्हारे बाप को सजा जरूर होगी। कॉन्स्टेबल जी। मैम सॉरी मैम, मैम बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैम। माफी
तुम लोगों ने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, बल्कि वो गुनाह है। और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। कांस्टेबल ले जाओ इन दोनों को और डाल दो जेल में। मैम सॉरी मैम, प्लीज मैम। और हाँ, एक अरेस्ट वारंट इशू करो इसके बाप के खिलाफ, उसको भी तो जेल की हवा खिलानी है। मैम माफ कर दीजिए, ले जाओ इन्हें। जी मैम, चलिए। वक्त का कुछ पता नहीं होता, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आप किसी के साथ कभी भी कुछ गलत करते हैं तो ऊपर वाला सब देखता है, आपके कर्मों की सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। इसलिए आप हमेशा अच्छा काम करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखें, ताकि आपको भी लाइफ में अच्छी चीज़ें मिले, आगे बढ़े। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी भी किसी के साथ गलत ना करें और आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिए और हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। थैंक यू।